हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.3 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है 6.3 एक्सरसाइज, अभी हम कर रहे हैं। देखिए क्या है 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल के अंदर। ये जो फिगर दे रखी है टोटल 6, इसके अंदर यहाँ जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके हिसाब से ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई थी वो थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन सम्स को करते हैं। सॉल्यूशन 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल, ये 50 डिग्री। डायग्राम बनाना सही रहता है, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और टीचर्स को भी अच्छा लगेगा जो चेक करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस, चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया 110 आया, तो एक्स की वैल्यू हुई 180 माइनस में 110, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर नंबर 1। अब सेकंड पार्ट, फिगर आपको दे रखी है तो आप वैसी ही फिगर बनाएंगे, अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ये बात बता रहा है कि जब कभी भी ऐसा निशान हो तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर नाम है पी क्यू आर, ये P है, ये Q और ये R, उल्टे पुल्टे मत कर दीजिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस पी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P 90 डिग्री, Q 30 डिग्री, एंगल आर एक्स है। अब ये हुई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इसको सोल्व कर देते हैं, फिर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो चीज़ इधर प्लस हो रही है वो उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ निशान बदल जाता है, जैसे 110 था ये उधर जाके माइनस का हो गया था। तो ये आया 60 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू 60 डिग्री आई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब फिगर हमारे पास ये है, थर्टी डिग्री दे रखी है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है 110 डिग्री और ये एक्स, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमें मिला है इस बार। इससे पहले वाले में राइट एंगल ट्रायंगल मिला और उससे पहले वाले में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल मिला था। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय ए एस पी एंगल एक्स प्लस
एंगल वाई प्लस एंगल जेड इजल टू 180 डिग्री एएसपी से एंगल सम प्रॉपर्टी। 30 110 एक्स एक्स इजल टू 180 माइनस में ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो अभी मत नहीं लेके जाते इसको 140 डिग्री। तो एक्स इजल टू 180 माइनस 140 डिग्री 40 डिग्री हुआ, एक्स की वैल्यू आई 40 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ की फिगर है ये। यहाँ हमें दो एंगल बराबर दे रखे हैं, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ये एंगल एक्स दे रखा है, ये एंगल भी एक्स दे रखा है, और जो ये एंगल है ये 50 डिग्री, नाम इसका कोई दे नहीं रखा है, ए बी सी डी कुछ भी हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। इन ट्रायंगल एम एन ओ ये हमने लेट कर लिया था, बाय ए एस पी एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री, एम एक्स है एन 50 है और ये भी एक्स है ओ, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 50 180। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड आ गई, 50 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर में आपने की होगी ना लीनियर इक्वेशन, 130 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, 65 डिग्री। तो फिर एक्स दोनों ही बराबर हैं, अगर इसमें नाम दे रखा होता तो हम ये लिख देते कि एंगल एम इजगल टू एक्स इजगल टू 65 डिग्री, एंगल ओ इजगल टू एक्स इजगल टू 65 डिग्री, अब दे नहीं रखा अपनी तरफ से लिया हमने तो हमने से एक्स भी तो साथ में लिख दिया तो गलत नहीं होगा। ठीक है, या फिर सिंपल एक्स इजल टू 65 डिग्री आंसर। अब जो फिफ्थ पार्ट है उसमें तीनों के तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं, तो ये हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 60-60 आएगा सारा। तो इन द गिवन ट्रायंगल बाय एएसपी या नाम लिख दीजिए पहले वाले के जैसे कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इजगल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 180 बाय में 3, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और अगर नाम लिख रखा होता तो वैसे ही पहले वाले के जैसे हम इसको कर देते। सॉल्यूशन 6, यहाँ थोड़ा और अलग है, x की बजाय 2x आया हुआ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो बच्चे देख के घबरा जाएंगे और इसमें तो कोई एंगल ही नहीं दे रखा क्या करें, जैसे ये है जैसे ये है, तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री। टू एक्स प्लस 90
180, ये 3x हो गया। दो घोड़े और एक घोड़ा, कितने घोड़े? तीन घोड़े, तो 3x, तो ये x साथ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं है इसके साथ में तो ये 1x है। 2x एंड 1x, 3x इजिकल टू 180, ये 90 प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x इजिकल टू 90 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू आई 30 डिग्री, आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने ये फर्स्ट जो है ये पूरा सारे के सारे पार्ट्स कर दिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। बाय।